तो और मैं भाई कैसे हो। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो भाई पहले क्या था इंडियन सर्वर, लेकिन भाई उसमें से सबसे पहले यहाँ पे भाई बांग्लादेश सर्वर इंडिया से अलग हो गया। और मैं भाई साथ में अगर मैं बताऊं तो अभी यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि भाई आपको यहाँ पे जो नेपाल का सर्वर है भाई वो भी यहाँ पे हटने वाला है। मतलब पहले तो यहाँ पे इंडिया से बांग्लादेश सर्वर अलग हो चुका है, साथ में अब यहाँ पे आपको नेपाल सर्वर भी अलग होने वाला है। और और मैं भाई साथ में आज मैं नेपाल सर्वर के ऊपर टोटल डिटेल में रिव्यू बताऊंगा कि भाई क्या नेपाल सर्वर जो यहाँ पे साउथ एशिया 2 में जाने वाला है भाई उसमें क्या बांग्लादेश सर्वर भी जाने वाला है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान सर्वर भी जाने वाला है। मतलब मेरे भाई मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो भाई आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है पूरे लास्ट तक। और मैं भाई वीडियो पे पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, साथ में नीचे रेड कलर बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे भाई आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेरे भाई मिल सके। तो मेरे भाई चलो यहाँ पे वीडियो को बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई सबसे फर्स्ट जो लिक्स निकल के आता है कि भाई जो साउथ एशिया 2 है उसमें आपको बांग्लादेश सर्वर, पाकिस्तान सर्वर, नेपाल सर्वर सारे सर्वर एक जगह मतलब एक तरफ पे आने वाला है और इंडिया सर्वर अलग हो जाने वाला है। तो मेरे भाई मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ एशिया 2 में कोई भी बांग्लादेश सर्वर या पाकिस्तान सर्वर यहाँ पे नेपाल सर्वर के साथ नहीं आएगा। क्योंकि मेरे भाई अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हर एक सर्वर का ई स्पोर्ट्स टीम है, हर एक यहाँ पे सर्वर का न्यू मतलब आईडी है। जैसे पाकिस्तान का है तो वहां पे पाकिस्तानी लैंग्वेज में हर चीज मतलब जो भी इवेंट आता है वो कवर होता है। इसी तरह मेरे भाई अगर मैं बताऊं जहां पे बांग्लादेश सर्वर है तो भाई बांग्लादेश सर्वर में जो कि वहां के लैंग्वेज है भाई उसी लैंग्वेज में वहां पे जो भी इवेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है वो रिलीज किया जाता है। और मैं भाई अगर मैं बताऊं तो सेम टू सेम इसी तरह जब भी यहां पे नेपाल सर्वर चेंज होगा तो भाई सेम टू आपको नेपाल के लैंग्वेज में नेपाली जितने भी मतलब आएगा सारा चीज आपको नेपाली लैंग्वेज में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं भाई यहाँ पे साउथ एशिया 2 में सारे जो तीनों कंट्री है ये तीनों कंट्री आने वाले हैं, बहुत सारे और भी कंट्री आएगा, लेकिन भाई ये सरासर गलत है। क्योंकि मेरे भाई अगर मैं बताऊं तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन अभी गरेना ऑफिशियली नहीं बताया। और भाई आपको भी सोचना पड़ेगा, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको मेरे भाई पता होगा कि मेरे भाई यहाँ पे जो भी इंडियन सर्वर में जितने भी पहले यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर था उसके बाद यहाँ पे भाई नेपाल का प्लेयर था तो यहाँ पे जब भी कोई इवेंट आता था वो हिंदी में आता था तो भाई थोड़ा यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर का प्लेयर है वो भी मेरे भाई थोड़ा बहुत समझ लेता था, साथ में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे नेपाल का जितने भी प्लेयर था वो भी मतलब समझ लेता था। लेकिन भाई अभी क्या है कि भाई पाकिस्तान में जितने भी यहाँ पे आता इवेंट मेरे भाई वो सारे इवेंट यहाँ पे भाई आता है उर्दू में, तो भाई उर्दू तो भाई हर व्यक्ति को नहीं आता है। तो आपसे सबसे पहले तो यहाँ पे ये मतलब कट चुका है कि भाई पाकिस्तान सर्वर मेरे भाई यहाँ पे आपको नेपाल सर्वर के साथ नहीं कनेक्ट होगा। इसी के साथ यहाँ पे अब बात रहा भाई बांग्लादेश सर्वर का, तो भाई बांग्लादेश सर्वर में भी भाई वही बात है जो कि वहां का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में वहां पे जो भी इवेंट आता है कोई भी न्यूज आता है वही कवर किया जाता है। जो कि मेरे भाई अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे नेपाल के जितने भी मेंबर है प्लेयर है भाई उसको सबको समझ में नहीं आएगा क्योंकि भाई हिंदी तो सबको लगभग समझ में आ जाता है लेकिन वो वहां का जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे भी मतलब कट चुका है, मतलब आपको वो भी सर्वर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे फाइनली बच चुका है कि नेपाल सर्वर। तो भाई मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे नेपाल सर्वर जब भी मतलब इंडिया से अलग होगा तो उसका खुद का लैंग्वेज होगा, उसका खुद का इवेंट आएगा, मतलब हर चीज उसका अलग हो जाएगा। और मैं भाई इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इंडिया से पाकिस्तान भी अलग हो चुका है, वो भी मतलब अलग सर्वर बन चुका है। यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर भी अलग हो चुका है, वो भी अलग सर्वर बना लिया। इसी के साथ यहाँ पे नेपाल सर्वर भी अलग होगा और अलग मतलब लैंग्वेज, मतलब हर इवेंट अलग आएगा, इंडिया का सेम इवेंट नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे भाई आप मुझे बताओ कि भाई आप अभी कौन से रीजन से खेलते हो, इंडियन रीजन से, पाकिस्तान रीजन से, क्या आप नेपाल रीजन में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, आप मुझे मेरे भाई नीचे कमेंट करके बताना। और मैं भाई अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भाई अपने फ्रेंड को शेयर मेरे भाई जरूर करना जो कि बिल्कुल मेरे भाई फ्री होता है। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाए तो वंदे मातरम मेरे भाई।